नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy S20 Fe vs Google Pixel 4a का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy S20 Fe में 6.29 इंच जबकि Google Pixel 4a में 5.67 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Galaxy S20 Fe से कम है। विड्थ की बात करें तो Galaxy S20 Fe में 2.93 इंच जबकि Google Pixel 4a में 2.73 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Galaxy S20 Fe से कम है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy S20 Fe में 0.33 इंच जबकि Google Pixel 4a में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy S20 Fe में 190 ग्राम जबकि Google Pixel 4a में 143 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy S20 Fe में Super AMOLED जबकि Google Pixel 4a में OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Galaxy S20 Fe में 20:9 जबकि Google Pixel 4a में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy S20 Fe में 6.5 इंचेस जबकि Google Pixel 4a में 5.81 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy S20 Fe में 1080x2400 और Google Pixel 4a में 1080x2340 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy S20 Fe में 85.68% जबकि Google Pixel 4a में 82.74% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy S20 Fe में 405 पिक्सल प्रति इंच जबकि Google Pixel 4a में 444 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy S20 Fe में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और Google Pixel 4a की बात करें तो इसमें 1 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy S20 Fe में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Google Pixel 4a में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy S20 Fe में Mali G77 MP11 जबकि Google Pixel 4a में Adreno 618 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy S20 Fe में Samsung Exynos 9 Octa 990 और Google Pixel 4a में Qualcomm Snapdragon 730G मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy S20 Fe में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB की RAM मिलती है, जबकि Google Pixel 4a में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy S20 Fe में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB 256 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Google Pixel 4a में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy S20 Fe में अप टू 1 TB जबकि Google Pixel 4a में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V10 क्यू देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy S20 Fe में 4500 mAh जबकि Google Pixel 4a में 3140 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो गैलेक्सी S20 में 5 कलर्स जबकि Google Pixel 4a में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो गैलेक्सी S20 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹37,990, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹46,999 में मिलता है। और बात करें Google Pixel 4a की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹31,980 में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में गैलेक्सी S20 पे आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M52 5G है, दूसरा OnePlus 8T है, तीसरा Oppo Reno 3 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ब्लैकव्यू BB9900E है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।